देहरादून में कांग्रेस ने सीए और एनआरसी के विरोध में भारत बचाओ संविधान बचाओ फ्लैग मार्च निकाला और इस फ्लैग मार्च में इंदिरा हृदयेश सैकड़ों लोगों की संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से मौजूद रहे। ये फ्लैग मार्च कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में निकाला गया। फ्लैग मार्च कांग्रेस मुख्यालय से निकाला गया। इसके लोकतंत्र पर प्रहार करने का काम करेंगे। तो आज एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में संविधान बचाओ कार्यक्रम का आयोजन हुआ है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वहीं पर उत्तराखंड के अंदर भी इस मौके पर देहरादून की ये तस्वीरें जहां पर उत्तराखंड के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में संविधान बचाओ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। फ्लैग मार्च आज कांग्रेस दफ्तर से उत्तराखंड में निकाला गया और यहां पर कुछ इस किस्म का दृश्य जो कि आप देख रहे हैं, सरकार के खिलाफ में सीए एनआरसी और एनपीआर को लेकर के कांग्रेस पार्टी का इस अंदाज में विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इसी कड़ी में ये फ्लैग मार्च है। इस देश के सत्ता में बैठे हुए लोग इस देश की लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देंगे। इसके लोकतंत्र पर प्रहार करने का काम करेंगे।